और बात देवास की कर लेंगे, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान से बाइक से आए तीन बदमाश जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि बैग में लाखों के जेवर थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल बदमाशों के बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार विकास नगर में राम मंदिर के सामने स्थित रश्मि ज्वेलर्स की दुकान पर सुबह करीब 9:30 बजे शुभम सोनी जेवरा से भरा बैग लेकर रोज की तरह आए और दुकान में बैग रखकर मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही मंदिर से दर्शन करके लौटे, इसी दौरान बाइक से आए तीन बदमाश दुकान में रखा हुआ सोने चांदी के जेवर से भरा बैग लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि बैग में 100 ग्राम सोना और लगभग 5 से 6 किलो चांदी के जेवरात थे, जिनकी कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ये जो वारदात है ये दिन दहाड़े हुई है। लाखों के जेवरात भी बैग में थे। अब पुलिस इसी आधार पर आगे की जाँच कर रही है। श्री राम मंदिर के सामने है, मैं रोज की तरह गाड़ी फेंक कर सामान दुकान में रखा और मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। उसी वक्त अच्छा, फिर वापस आप आए तो क्या हुआ आपका बैग का? मैं दर्शन कर ही रहा था, सामने वाली दुकान पास वाली दुकान वालों ने बोला कि आपका कोई सामान लेके भाग गया। मैं दौड़ा और जब तक भाग चुके थे। अच्छा, क्या था बैग में? बैग में 7 से 8 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना था करीब। क्या कीमत रखा होगा? ज्वेलरी का सामान था। क्या कीमत रखा होगा ज्वेलरी में? अंदर लाखों की है माने हम लाख। ये रश्मि ज्वेलर्स के नाम से विकास नगर चौराहे के अंदर राम मंदिर के सामने दुकान है। वहाँ पर जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं शुभम पिता कमल सोनी जी, ये अभी 9:30 बजे के करीब अपनी दुकान पर आए थे। जो रोज़ाना की तरह अपने जो चांदी सोने का जो सामान लेकर ये घर से आए थे और पहले मंदिर में दर्शन करने जाने के पहले दुकान खोली और सामान दुकान के अंदर रखकर शटर को खुला ही छोड़कर ये मंदिर में दर्शन करने गए थे। जब लौटकर आए तो पता चला कि इनका सामान चोरी हो गया है। जो कोई 3 बदमाश युवक लोग हैं जो कि सामान चुरा कर ले गए हैं, जो मोटरसाइकिल से भागे हैं, ऐसा इनका रिपोर्ट हुई है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। सर, मतलब आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे वो भी अब पुलिस खंगालेगी ताकि आसानी हो आरोपी तक पहुंचने? हाँ, आसपास के भी जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो हम देख रहे हैं, शहर के सभी जगह के फुटेज हम देख रहे हैं।